राजस्थान पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ संभाग भरतपुर के द्वारा संभाग अध्यक्ष योगेश शर्मा लोहागढ़ के नेतृत्व में नियमितीकरण की मांग को लेकर एक परिक्रमा संघ के नाम कार्यक्रम का आयोजन करते हुए भरतपुर जिला अध्यक्ष मुनेंद्र लवानिया व डिग जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंसिनी संघ के संयोजक राकेश शर्मा के द्वारा सैकड़ों पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायकों के साथ पुंजरी के लोठा में श्रीनाथ जी मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में प्रदेश के पंचायत शिक्षकों व विद्यालय सहायकों को नियमित वेतन श्रृंखला देकर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग का ज्ञापन श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर गिरिराज महाराज की परिक्रमा की गई। संभाग अध्यक्ष योगेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान के पंचायत शिक्षक जो कि पूर्व में विद्यार्थी मित्र शिक्षक के रूप में 2008 से 2014 तक 6 वर्ष अपनी सेवाएं राज्य के सरकारी विद्यालयों में संविदा कर्मी के रूप में अल्प महोदय पद पर दे चुके हैं और 2017 में पंचायत सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने संविदा सेवा नियमित 2022 के तहत एक बार फिर संविदा पद पर ही पदनाम परिवर्तन कर पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायक के नाम से नियुक्ति देकर नियमितीकरण का झूठा ठिठोर पीटा, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में सरकार गवा कर चुकाना पड़ा और अब प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनी है। हमने भी अपने मिशन की शुरुआत श्रीनाथ जी के चरणों में अपने मांग पत्र सौंप कर की। जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में मुलाकात कर संघ की मांगों पर वार्ता की जाएगी। संघ के भरतपुर जिला अध्यक्ष मुनेंद्र लवानिया ने बताया कि 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही इनकी नियुक्ति हुई। इसी बीच सरकार बदली तो हमारा नाम ही बदलता रहा, लेकिन कुछ नहीं बदला तो विद्यार्थी मित्रों का भाग्य। संविदा से शुरू होकर 14 साल बाद भी संविदा पर ही आकर अटक गए हैं। इसी बीच शिक्षा सहायक भर्ती 2013 व विद्यालय सहायक भर्ती 2015 के नाम में 2 बार भर्ती निकाली, लेकिन लचर प्रशासन व कमजोर इच्छा शक्ति के चलते वो कोर्ट में ही अटक कर रह गई। आओ चले ब्रजुदा में एक परिक्रमा संगठन के नाम कार्यक्रम में संभाग अध्यक्ष योगेश शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहयोजकों ने गिरिराज की परिक्रमा की और इस मौके पर राजकुमार चौधरी, कैलाश शर्मा, पूंजरी नटवर शर्मा, हितेश पाराशर, प्रदीप शर्मा, देवेंद्र पिंटू, पवन उसरानी, दिगंबर शर्मा, सतीश कुमार, लोकेंद्र कटारा सहित सैकड़ों की संख्या में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक भी मौजूद रहे। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट।